मैं हूं जेपी यादव। आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम क्लास बारहवीं का एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन लेकर के आया हूं। यदि 5.2 का सोल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए माइंड में लेना है तो मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। अगर उड़ने की तमन्ना दिल में है तो हवा का झोंका हम देंगे। अगर उड़ने की तमन्ना दिल में है तो हवा का झोंका हम देंगे। अगर मैथ सीखने की जज्बा आप लोगों में है तो सीखने का मौका हम देंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, इसको हमेशा हमेशा के लिए माइंड में लेना है तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। नहीं समझ में आया तो ये चैलेंज है, इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2 कह रहा है बाबू कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्न फलनों का औकलज ज्ञात करें। पहले वाले वीडियो में हमने बताया x के सापेक्ष कैसे निकाला जाता है, संयुक्त फलन का औकलज बताया, इसके बाद हमने बताया श्रृंखला नियम। तो बस श्रृंखला नियम क्लियर, तो ये क्लियर, तो ध्यान देना बाबू, जितना का जितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिया है जो x के सापेक्ष औकलज करना है। किसके सापेक्ष औकलज करना है बाबू? x के सापेक्ष करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, यानी पहला का सॉल्यूशन क्या करेंगे बाबू, लेट y बराबर क्या मान लेंगे, साइन x स्क्वायर प्लस 5, यही दिया है ना, करेंगे क्या बाबू, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब क्या करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने तो बताया कि जो एंगल होगा ना बाबू उसी को कहां लाएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर 5, फिर इनटू क्या करेंगे, हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब आ जाएगा बटे में डीएक्स। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर देखो डी एक्स स्क्वायर प्लस लेबनीज का जोड़ नियम, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, लेकिन 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब 2x में 0 जोड़ेंगे 2x, अब 2x से गुणा करेंगे तो 2x into cos x स्क्वायर प्लस क्या मिला 5, यही क्या हो गया आंसर। तो मेरे प्रिय बच्चों फिर से देख लो, y बराबर क्या मान लिया, sin x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d sin x स्क्वायर प्लस 5, तो ये एंगल जो है कहां आएगा, नीचे, फिर जाएगा ऊपर बटे में dx। अब साइन का औकलज क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, आई x स्क्वायर लेबनीज का कौन सा नियम जोड़ नियम, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा 0, ये क्या हो गया वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या दिया है बता दो, 2 नंबर भी मान लेंगे, लेट y बराबर कितना, cos sin x हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब कर दो किसके सापेक्ष, x के, तो हो जाएगा dy by dx, यानी dy by dx हो जाएगा d cos sin x। अब आप ही बताइए बट्टा में क्या आएगा, cos का एंगल बन कर आया है sin, बट्टा में sin, फिर जाएगा ऊपर, अब sin का एंगल क्या है x, तो देखिए x आ गया कि नहीं, अब cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, तो माइनस sin हो गया एंगल, साइन का होता है कॉस, यही क्या हो गया आंसर। फिर से बाबू देख लो, वाई बराबर कॉस साइन एक्स है तो हो जाएगा डी कॉस एक्स, यानी डी कॉस साइन है तो साइन आ जाएगा नीचे, यानी जो एंगल होगा ना बाबू वही कहेगा नीचे, तो साइन आ गया नीचे, फिर चला जाएगा साइन ऊपर, अब बटा में कहा आ जाएगा एक्स। अब देख लो बाबू, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है और साइन का होता है कॉस, यही क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बाबू, 3 नंबर भी क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर दे दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x, तो हो जाएगा dy by dx, हो जाएगा d साइन ए एक्स प्लस बी, बटा में क्या आएगा बोलो, d ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, फिर जाएगा ऊपर, हमने बताया कि जो एंगल होगा वही नीचे आएगा, फिर जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा d ए एक्स प्लस बी,
अब आटा में हो गया डी। अब आप ही बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इनटू। अभी लेवरेज का कौन सा नियम हो जाएगा, जोड़ नियम। तो जोड़ में तो बताए थे कि अलग अलग कर देंगे, तो डी ए एक्स है तो ए नियतांक है, तो ए को बाहर करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब बी के लिए क्या हो जाएगा जीरो, इसका मिलेगा क्या बाबू, यानी डी एक्स डी एक्स वन और बी का जीरो, तो वन में जीरो जोड़ेंगे वन, वन को ए से गुणा करेंगे ए, इसका आंसर आ गया ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, नहीं तो इसका आसान तरीका है, देखो एकदम शॉर्ट तरीका है। अब तुम ही बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, सबसे आसान तरीका। अब देखो नियतांक ए एक्स प्लस बी है, इसका तो जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, बच का गया ए, एक्स के साथ गुणा कर देना, यही क्या हो गया आंसर। यानी नियतांक को बाबू डिफरेंशिएशन करते समय बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या दिया है, y बराबर मान लिया sec tan root x, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बोलिए, dy by dx बराबर बोलिए तो d sec tan root x, अब बटा में क्या आएगा d tan root x, फिर जाएगा ऊपर तो हो जाएगा डी टेन रूट एक्स, अब इसका एंगल क्या है रूट एक्स, आ जाएगा डी रूट एक्स, फिर जाएगा ऊपर तो हो जाएगा डी रूट एक्स, अब बटे में है डी एक्स, क्योंकि हमने बताया कि जो रूट के अंदर होगा वही नीचे आएगा। अब सेक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स तो हो ही गया, एक्स का काम ये किया इसलिए एक्स होगा ये, तो सेक एक्स इंटू होता है टेन एक्स, कोई दिक्कत? टेन का होता है ध्यान देना बाबू सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का होता है बाबू वन बाई टू रूट एक्स, फिर से देख लीजिए सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, हमने फॉर्मूला लिखवाया पाला वाला वीडियो में, इसलिए उस वीडियो को जो नहीं देखे होंगे जरूर देखिए, क्योंकि टोटल का टोटल फॉर्मूला उसमें बताया, बिना फॉर्मूला का बाबू चलने वाला नहीं है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का हो गया वन बाई टू रूट एक्स, यही क्या हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, क्या करेंगे लेट वाई बराबर दे दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, अब बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, लेबनीज का कौन सा नियम, भाग नियम, देखो यू बाई भी लेबनीज का कौन सा नियम पर है, भाग नियम पर। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन दिया है वाई बराबर दे दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, अब बटे में कॉस सी एक्स प्लस बी, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने बताया था लेबनीज के भाग नियम में कि नीचे वाला को कर देंगे गुणा में ऊपर वाला का डिफरेंशिएट, तो ऊपर वाला क्या है साइन है, तो साइन ए एक्स प्लस बी बटे में डी ए एक्स प्लस बी, ए को कर देंगे भाग, चल ले लो एक बार डी ए एक्स प्लस बी, अब बटे में हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा बाबू, लेबनीज का कौन सा नियम है, भाग नियम, ठीक तो इसका हुआ ना, अब माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला देखो नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला का डेरिवेटिव, अब ऊपर वाला गुणा में यानी साइन ए एक्स प्लस बी गुणा में हो जाएगा, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएट तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी, अब बटे में डी सी एक्स प्लस डी, फिर हो जाएगा डी सी एक्स प्लस डी, अब बटे में हो गया डी एक्स। एक बार फिर से देख लो बाबू, ध्यान देना लेबनीज का भाग नियम जब यू बाई वी रहता है तो नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का डेरिवेटिव, अब बटे में नीचे वाला का स्क्वायर, यानी नीचे वाला का क्या हो जाएगा बाबू,
स्क्वायर। तो नीचे वाला क्या दिया है, ध्यान देना बाबू, नीचे क्या है कॉस है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हल कर दीजिए बाबू, अब हल करेंगे तो कॉस तो ठीक है यानी ये वाला, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी। अब बताइए डी एक्स बाई डी एक्स का ए का बी का हो जाएगा जीरो, तो एक में से गुणा करेंगे क्या होगा ए होगा। फिर माइनस क्या है साइन, ए एक्स प्लस क्या है बी, कॉस का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब बताइए सी को बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स का एक हो जाएगा, डी का जीरो हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा गुणे सी हो जाएगा। अब देखो बाबू बटे में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही क्या हो गया आंसर। आप चाहिएगा तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना पर भी छोड़िएगा तो कोई गलत नहीं होगा, आगे बढ़िएगा हल करना है, आगे आप चाहिएगा तो आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना ही को छोड़ दे, आगे क्या करिएगा हल करिएगा क्या। अब देखो ये माइनस है, आई माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला आ जाएगा कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, उस पर भी आगे बढ़िएगा तो भी बहुत कुछ बढ़ेगा लेकिन इतना को भी छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला बताते हैं कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा तो आगे भी बढ़ सकता है लेकिन इतना को भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बाबू क्या हो गया आंसर, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं उतना है, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बढ़ा सकते हैं ना। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छह, चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर छह दिया वाई बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इन टू, देखिए लेबनिज का कौन सा नियम, गुणा नियम, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए पहला को कर दो गुणा में, अब क्या करेंगे दूसरा का डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स के पावर पांच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब बाटा में क्या आएगा डी साइन एक्स के पावर पांच, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डी, फिर ऊपर जाएगा बाबू ना, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के, तो फिर कहां जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर पांच, फिर बटा में क्या आएगा डी एक्स के पावर पांच एंगल ना, फिर कहां जाएगा ध्यान देना बाबू ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स के पावर पांच बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स। ये पहला प्रोसेस हुआ, हमने बताया कि पहला गुणा में दूसरा का अवकलज कर दिया, अब दूसरा गुणा में प्लस दूसरा गुणा में तो क्या है साइन स्क्वायर एक्स के पावर पांच, पहला का डी सी तो पहला क्या है कॉस एक्स की है, तो हो जाएगा डी कॉस एक्स क्यू अब बटे में डी एक्स क्यू, फिर हो जाएगा डी एक्स क्यू अब बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स हो गया। अब देखो बाबू हल करो तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, अब देखो पावर है तो पावर कहाँ आता है गुणा में, तो टू साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, और साइन का औकलज क्या हो जाएगा कॉस एक्स के पावर फाइव, एक्स के पावर फाइव का हो जाएगा पांच एक्स के पावर चार। अब देख लो फिर क्या है बाबू साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब हल कर दो बाबू तो हो गया कॉस एक्स क्यू इंटू, चलो पहले बढ़िया से गुणा करते हो, दो से करेंगे पांच से, तो पांच दूना दस एक्स के पावर चार इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर फाइव इंटू कॉस एक्स के पावर फाइव, फिर से देख लो बाबू यानी पांच दूना दस, तो दस एक्स के पावर चार फिर हो गया कॉस एक्स क्यू साइन हो गया, फिर क्या हो गया कॉस। अब इधर देखिए बाबू साइन स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव इंटू साइन एक्स क्यू, यही क्या हो गया आंसर। तो चलिए बाबू एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दिए वाई बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव, लेबनिज का गुणा नियम, इसको हमने यू मान लिया, इसको भी हमने बताया था कि यू
गुणे डी वी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया ठीक, फिर ई वाला गुणा में हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव बतीबे किए हैं। अब क्या करेंगे, कॉस तो ठीक है, अब पावर वाला को पावर गुणा में, पावर में से एगो कम हो जाता है तो दो में समान घटेगा तो वन आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन का हो जाएगा कॉस, एक्स के पावर पांच का पांच, एक्स के पावर चार हो जाएगा, ये तो ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब हल कर दो बाबू, हल करेंगे तो पांच दूना दस, दस एक्स के पावर चार, फिर लिख दीजिए जो जैसे वैसे, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर सात देखिए, सात नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, लेट कर देंगे, वाई इक्वल टू कितना दिया है, टू रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है ना, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टू को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर, बटे में आ जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर बटा में क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर, बटा में क्या आ गया डी एक्स। अब देखिए बाबू हमने बताया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान देना बाबू, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या, हो जाएगा ये टू गुणे वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, तो एक्स का काम क्या करेगा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा कॉट, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा यानी डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स। फिर से देख लो बाबू, टू तो ठीक है, रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, बाबू फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, और कॉट का होता है क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, तो हल कर दो, टू से टू कट जाएगा तो मिला क्या माइनस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब बटे में क्या हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया एंसर, ऐसा करते हैं समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आठ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर आठ देख, क्वेश्चन नंबर आठ क्या दिया है, लेट कर देंगे, वाई बराबर दिया है कॉस रूट एक्स, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर देंगे डी कॉस रूट एक्स, अब बटे में डी रूट एक्स, हमने बताया जो एंगल होगा वो नीचे आएगा फिर जाएगा ऊपर, तो डी रूट एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। चलिए अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स, अब रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, हल करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स अब बटे में टू रूट एक्स, यही क्या हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए, वाई बराबर कॉस रूट एक्स है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी कॉस रूट एक्स, तो रूट एक्स नीचे आ जाएगा फिर ऊपर जाएगा बटे में डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, इसका हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, हल कर दिया हो। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। तेरी मिट्टी में मिल जा।